जी तो सुनील साहब, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यार टायर चेंज कराने हैं। RX-7 जो है ना, काफ़ी सालों से खड़ी होती है, तो इसमें पिछले स्लीक्स डले हुए थे 18 और अगले 17 हैं। वो टायर जो है ना, आजकल मुझे गाड़ी पे ज़रा प्यार आया हुआ है। बैटरी शैटरी डाली दोबारा, तो टायर भी डाल रहे हैं। देखते हैं, अभी टायर मिलने नहीं है वाले। 285 क्या साइज है दिखाओ? पढ़ना आता साइज? क्या पढ़ना आता? 285 30। अगले वाला देखो, बट ये टायर मेरा ख्याल है, पता है जब से RX-7 आई थी ना 2013 में मेरे पास, तो जब जापान से इसके जो रिम लगे थे वही रिम है, लेकिन जो टायर है ना ये तब डाला था स्लीक्स। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये दो टायर दिए थे, अगले चेंज हुए हैं कई दफ़ा, ये चेंज हुए। अब इसका जो टायर का साइज़ है, अभी फिर ये फट है, ये 2 जो है ना, यूनिक टायर साइज़ है 285 30 है ना, 265 35 मिल रहा, 285 30। हाँ जी राय साहब, की कर रहे हो ना? है 285 35, 285 30 18 और टायर है। ये कम ही मिलता है ये साइज़, क्योंकि किसी ने कभी डिमांड ही नहीं की, तो इसमें हमारे पास अवेलेबल है 265 35 80। अच्छा ये बताएं, ये नॉर्मल टायर और स्लीक्स में फ़र्क क्या है? नॉर्मल में और स्लीक्स में फ़र्क ये है कि नॉर्मल जो है वो जो ये ड्रिफ्टिंग वगैरह के ग्रिप नहीं होती उसकी, नॉर्मल की वो नॉर्मल यूज़ के लिए होता है। अब इसको मैं उतार के हम नहीं, नॉर्मल नहीं है जो हम लगा रहे हैं। मिचलन का है टायर 265 35 18, वो है मिचलन पायलट स्पोर्ट्स 5। वो मैं आए आपको टायर दिखाता हूँ। वो टायर थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मिचलन है वो तकरीबन किडनी फोर्स के लिए लगाऊं कि इसके लिए लगाऊं? तकरीबन 85,000 का एक टायर होगा, 85,000 का एक टायर। हाँ जी, 85 के एक का मतलब है 80 60। मैं टायर दिखाता हूँ आपको, अगले वाला साइज इसका छोटा है, ये 17 साइज है। अब मिचलन का ही टायर लगा लेंगे, वो तकरीबन कोई तकरीबन एवरेज 45,000 का होगा। मतलब ताड़ा को ख्याल है कि मेरी को कमेटी निकली है? हाँ जी, नहीं निकली मैं तो इसमें। फिर ये है कि बाला नशीब, मतलब गाड़ी खड़ी रहती तेरे सामने यार, 10 साल में ये 4,000 नहीं चली, खड़ी रहनी होती। तो इसमें सुनील भाई फिर साइज पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिस तरह 285 है उसकी जगह 245 लगाना पड़ेगा। बहुत ही पतला हो जाएगा यार। बहुत पतला हो जाएगा, रिम ज़्यादा चौड़ा है, तो फिर वो पर्पस भी हमारा गाड़ी का RX-7 का पूरा नहीं होगा। टायर तो हमें चौड़ा ही डालना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रैक्शन नहीं होती। तो यहाँ फिर ये है कि हम इसमें किसी हल्के ब्रांड में चले, जिस तरह नानकिंग है, RX-7 पे हल्का नहीं लगा। अगले वाले जो है, अगले वाले टायर पे कुछ करें, 45,000 रुपये अगले उस पर मैं देख लेता हूँ जी, उसमें और भी हैं जी। ये कॉन्टिनेंटल है, ये कॉन्टैक्ट 3 पैटर्न है। अच्छा ठीक है जी। और ये जो है ये मिचलन है, ये पायलट स्पोर्ट्स 5 है, मेरा बड़ा फेवरेट है वैसे। हाँ जी, टायर बहुत अच्छा है, 97 Y इसका स्पीड रेटिंग है, Y रेटेड है, और 97 इसका लोड इंडेक्स है, और टायर का पैटर्न बहुत अच्छा है जी। ये पड़ती किस रंग का थोड़ा सा? ये लिखा हुआ है ना, ये देखें जी, ये इसका मतलब ये पायलट स्पोर्ट्स 5 है, और ये साइज इसका है 265 इसकी विड्थ है, और 35 इसकी ये साइड वॉल है, और R18 इसका रिम है, और 97 लोड इंडेक्स है, और Y जो है वो स्पीड रेटिंग होती है। Y का क्या मतलब है? कितनी हाई स्पीड? हाई, फुल हाई स्पीड है Y रेटेड जो होता है। इससे नीचे क्या होता है? इससे नीचे फिर W होता है, फिर इसी तरह चलता जाता है। और ये जो सात वाला कॉन्टिनेंटल का भी सेम साइज है? कॉन्टिनेंटल का जी सेम साइज है। कॉन्टिनेंटल भी जो ये स्पोर्ट्स कॉन्टैक्ट 3 है, ये सेम साइज है, 265 35 18। और ये प्रोडक्शन दोनों 2022 की, और फ्रेश इंपोर्ट वाले 100% टायर हैं। जेनुइन इंपोर्ट वाले? जी जी। अब ये कितने का और ये कितने का? ये तकरीबन 75 का है, ये 85 का है। 20,000 रुपये का फर्क दो टायर? हाँ जी, एक टायर पे 10,000 का। मार्केटिंग कॉस्ट निकाल के कितना है ये बताइए कितना? तो उसके अलावा अगर हम आगे वाला जो साइज है उस पर थोड़ा सा हम देख लें, तो उसमें हमारे पास ये आगे लगा हुआ है इस वक्त 225 45 17 है। उसमें हमारे पास जी एक तो ये कॉन्टिनेंटल का मिल जाएगा हमें, प्रीमियम कॉन्टैक्ट है, उसके अलावा जी गुडियर का एफिशिएंट ग्रिप है, और उसके अलावा मिचलन का प्राइमेसी 4 है, और उसके अलावा प्रेली में ये मिलेगा P7। और प्रेली में P7 कैसा होता है? P7 अच्छा टायर है, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि पीछे हमारे पास 265 नहीं है अवेलेबल P7 में। नहीं, हम पीछे तो वही डालेंगे ना दो। हाँ, तो आगे पैटर्न फिर कंपनी चेंज हो जाएगी ना, फिर तो होनी पड़ेगी, नहीं भी होगी ना, क्योंकि हमारे पास होगी नहीं कंपनी। पैटर्न तो एक होगा भी ना। हाँ जी, मिचलन तो मिचलन में डालने मोर्चे नहीं, जितने पैसे नहीं मिचलन, मिचलन का कंपनी सेम होगी, मिचलन का भी पैटर्न सेम नहीं होगा। अच्छा, अगर हम ये प्रीली वाले P7 देखते हैं कितने के? ये जो आगे वाला है ये फ्रंट वाला तकरीबन है, तो ये भी 40,000 का, लेकिन इसमें मैं इंशाल्लाह जो भी बेहतरीन हो सकेगा आपके लिए कर दूंगा। तो ये, और अगर हम वो डालते हैं 85 वाला 170 उनका बनता है, और 80,000 इनका बनता है।
ये तकरीबन सुनील भाई का 2.5 लाख रुपए इंशाल्लाह खर्च हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल पे तो उसके साथ 150 के वो पीछे वाले टायर होंगे और कॉन्टिनेंटल ही फिर उसमें भी आगे डाल लेंगे, वो तकरीबन कोई 30,000 का एक टायर है क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2 साल पुरानी है। फ्रेश ये हो गया। हाँ जी। और वो कितने का है? वो 150 का 2,10,000 रुपये में वो कंप्लीट सेट बनेगा जी। बट ये कॉन्टिनेंटल होगा? कॉन्टिनेंटल होगा जी। आपका मशवरा क्या है? मेरा मशवरा है आप ज़्यादा पैसे खर्चें और ज़्यादा परफॉर्मेंस लें और वो आएगी आपको मिचलन में पायलट स्पोर्ट 5 में जी। पीछे आगे दोनों? हाँ मेरा ख्याल है 2,10,000 ये अगर मिचलन डालने चाह रहा हूँ, फिर क्या खर्चा है? वो बताया था अभी आपको 170 है और उसमें अगले प्रीली थे। हाँ उसका ये है कि 90,000 के वो हैं, वो तकरीबन 170 और 90 तकरीबन बनता है आपका 260 50,000 रुपये का डिफरेंस आता है आपका। मैं तो गिर गया था चुकना के नहीं। तो सुनील भाई वो डॉलर इतना महंगा हो गया कि अब आपको मैं डॉलर चेंज नहीं लगाऊंगा, मैं पाक रुपीस लूंगा यार। ये P0 जो है ना ये तो, लेकिन ये 19 है मेरी सारी गाड़ी में, मैंने प्रीली डाल दी है। हाँ, मैं टैंक में भी प्रीली डाल गया, इसमें मैं आपको में भी प्रीली डाल दिया। प्रीली में हमारा पोर्ट पे कुछ लेट हो गया सामान, उसके अंदर हमारा जो है ना जी ये टायर साइज है, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो आपको मैं प्रीली भी मेड इन जर्मनी है वो दे सकता हूँ जी। लेकिन यह वो 35 भी हो जाएगा, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको 275 करके दे सकता हूँ पीछे 275 35 18। बस ये 1300 cc गाड़ी के लिहाज से मैंने तो पहली बार ही देखा इतना बड़ा टायर 1300। नहीं वो रेल व्हील है ना, ये असल में ये इसका ड्रिफ्टिंग वाला वो है गाड़ी, उस पर्पज के लिए है। असी तो खिलारा ले ली, असी तो कोई ड्रिफ्ट नहीं करते भाई। तो फिर आप तो कोई भी डाल सकते हैं टायर भाई। चलें देखते हैं अभी फाइनल डिसीजन क्या होता है।